नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों सिंथेसिस की एक्सरसाइज नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईशान मेड अ मिस्टेक, इट इज क्वाइट एविडेंट। ईशान ने गलती की और ये बिल्कुल स्पष्ट है। डेड से जुड़वा रहा है तो डेड से जोड़ना है। तो ईशान ने गलती की और गलती की तो इस सेंटेंस का रिप्रेजेंट करने वाला दूसरे सेंटेंस वर्ड है इट। इज क्वाइट एविडेंट मतलब ये स्पष्ट है। तो स्पष्ट क्या है कि दैट, तो पहले सेंटेंस से पहले क्या जोड़ देंगे हम, दैट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। दैट क्लोज बन जाएगा ये, तो दैट ईशान मेड ए मिस्टेक। तो इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड इट दिया हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। इज क्वाइट एविडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, वर्ड इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस और टेल मी वर्ड से। तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस एंड तुम्हारी सफलता का राज क्या है, टेल मी मुझे बताओ। तो मुझे बताओ क्या, व्हाट, व्हाट से जोड़ेंगे तो टेल मी व्हाट द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज। तो ध्यान रहे यहाँ तो सेंटेंस जैसा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर ये कंजक्शन वर्ड की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन विल द ट्रेन कम, ट्रेन कब आएगी, कैन यू टेल मी That, क्या आप ये बात मुझे बता सकते हैं। तो that देखो पहले वाले सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे लिखेंगे, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, और when शब्द से जोड़ना है तो when यहाँ आ जाएगा कि when the train will come, कि ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में हम जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट में उदय होता है, दैट्स द ट्रुथ, दैट से जोड़ना है तो ये सत्य है। तो सत्य क्या है, द ट्रुथ इज, और कैसे लिखेंगे इसे, द ट्रुथ इज, और पहले वाले सेंटेंस से पहले हम क्या जोड़ देंगे, दैट, तो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हो जाएगा द ट्रुथ इज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, माई फ्रेंड इज ए टीचर और ही इज ए फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑल्सो। तो मेरा मित्र एक टीचर है और फुटबॉल प्लेयर भी वह है, यानी फेमस फुटबॉल प्लेयर भी हैं, तो हूँ से जुड़वा रहा है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में एडिशनल जानकारी दी हुई है, तो इसको बनाते समय हमें नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज की तरह बनाएंगे इसको, कैसे, माय फ्रेंड और कोमा, हूँ से जुड़वा रहा है तो हूँ इज ए टीचर, जो कि एक टीचर है, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग कर दिया और फिर कोमा वापस बंद कर दिया इसे, और इज ए फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, यू गेव मी ए बुक, आपने मुझे एक पुस्तक दी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग क्या है, पुस्तक, तो द बुक है, तो द बुक से सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे, दैट जो कि पुस्तक के बारे में बता रहा है, तो इसके साथ जुड़ गया। अब पुस्तक यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी, तो यू गेव मी जो तुमने मुझे दी, वो क्या है, इट पुस्तक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आगे वाला सेंटेंस उतार देंगे उसे छोड़कर, इज वेरी इंटरेस्टिंग ये सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रेन विल स्टॉप, बरसात रुक जाएगी, वी शैल गो फॉर वॉक, हम वॉक के लिए जाएंगे, तो वेन कब जाएंगे, जब बरसात रुक जाएगी, तो वेन पहले वाले सेंटेंस से पहले आ जाएगा, तो वेन द ट्रेन विल स्टॉप कोमा वी शैल गो फॉर अ वॉक। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉयज विल स्टे हियर, लड़के यहाँ रुकेंगे, द टीचर विल रिटर्न, अध्यापक लौटेगा, टिल एंड तक, तो बच्चे कब तक रुकेंगे, अध्यापक के लौटने तक, द बॉयज विल स्टे हियर टिल द टीचर रिटर्न्स, इस प्रकार से प्रयोग हो जाएगा। यहाँ क्या ध्यान देना है, सेकंड सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस दिया हुआ है और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आई पेंट, आई लाइक पेंटिंग, बिकॉज से जोड़ना है तो बीच में जुड़ जाएगा, आई पेंट मैं पेंट करता हूँ क्योंकि आई लाइक पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, आई मेट ए मैन, मैं आदमी से मिला, ही वॉज लेम, वो क्या था, लंगड़ा था, हूँ से जोड़ना है तो आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, हूँ यानी जो, वॉज लेम, सेम सब्जेक्ट हैं, आदमी के लिए प्रयोग हुआ है तो ही हट जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, देर इज लाइफ देर इज होप, जीवन है उम्मीद है, तो वाइल जब, तो वाइल पहले जोड़ देंगे सेंटेंस में कि जब ऐसा है तो ऐसा है, तो वाइल देर इज ए लाइफ और देर इज होप, कोमा लगा देंगे बीच में। क्वेश्चन नंबर 12, यू विश इट, आप ये चाहते थे, यानी आप ये चाहते, यू विश इट यानी आप ये चाहते हो, इट शैल बी डन, तो ये होगा, तो सिंस क्योंकि, तो पहले वाले सेंटेंस में कि सिंस यू विश इट, क्योंकि आप ये चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, तो इट शैल बी डन। क्वेश्चन नंबर 13, इट वॉज हॉट, तो गर्मी थी, तो आई कुड नॉट गो आउट, तो मैं बाहर नहीं जा सका, तो सो और डेट का प्रयोग करने हैं,
सो देट का प्रयोग यहाँ पर है रीजन को बताने, कोज को बताने के लिए है। तो इट वॉज सो हॉट और देट इसके बाद में प्रयोग करेंगे, और आई कुड नॉट गो आउट इसलिए मैं कुड नॉट गो आउट एंड मैं बाहर नहीं जा सका। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें कि वी वर्क हार्ड, हम वर्क हार्ड करते हैं। वी कैन अर्न मोर, हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। सो देट पर्पज के लिए आए यहाँ पर, क्योंकि तो सो देट का जब बीच में कोई गैप नहीं होता तो पर्पज को बताता है, और बीच में गैप कम लोग कोई और वर्ड आए हुए हैं तो वो कोच को बताता है। तो वी वर्क हार्ड सो देट ताकि वी कैन अर्न मोर, इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, देर इज ए विल और देर इज ए वे, तो चाह है तो राह है, तो जहाँ चाह वेयर का प्रयोग है, तो जहाँ चाह है तो वहाँ राह है। तो देर से पहले कर देंगे तो वेयर देर इज विल, वेयर देर इज ए विल और देर इज ए वे। क्वेश्चन नंबर 16, सी आस्ड हिम ही केम, तो वेंस, तो सी आस्ड हिम बीच में जोड़ देंगे वेंस ही केम। क्वेश्चन नंबर 17, यू वॉन्ट पास, तुम पास नहीं होंगे। यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करते हो, तो अनलेस यदि नहीं, तो यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे। तो पहला वाला सेंटेंस ऐसे कैसे, बीच में अनलेस जोड़ देंगे, दूसरा सेंटेंस लिख देंगे अनलेस यू वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 18, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, पुअर हैं ऑनेस्ट हैं, दो तो कंट्रास्ट को बता रहा है। ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब हैं, ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट हैं। तो 19 क्वेश्चन में देखें, सी इज वाइज और सी इज ब्यूटीफुल, वाइज भी और ब्यूटीफुल भी हैं, तो एज इज का प्रयोग करो, तो सी इज एज वाइज एज ब्यूटीफुल, जितनी वो वाइज हैं उतनी वो ब्यूटीफुल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आई हैव टोल्ड हिम समथिंग, मैंने उसे कुछ कहा है। ही नोज ओनली देट मच, केवल उतना ही जानता है, तो एज मच एज जितना की उतना, तो एज मच एज का प्रयोग करना है। तो देखो ही नोज, तो ही नोज वो जानता है कितना, कि ओनली एज मच एज, केवल उतना ही जितना कि आई हैव टोल्ड हिम, कि मैंने उसे बताया है, तो समथिंग तो इसमें से हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, टेल मी द ट्रुथ आई सेल पार्डन यू, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, कब कर देगा, जब सत्य बोलेगा, तो आई सेल पार्डन यू इफ़ यू टेल मी द ट्रुथ। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है सिंथेसिस की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे।